तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो तो मेरे पास एक आईटेल का मोबाइल है, ये आईटेल का है, ये इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ मैं ढक्कन खोल के। S41 देख सकते हो आप, इसमें FRP पड़ गया है। इसको मैं आज दिखाऊंगा मैं कैसा खोलने का है इसको। कि परमिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक हो जाता है ना, ऐसा लगता है मुझे। और जैसे किसी इंसान को बहुत जोर से बाथरूम गई हो और वो पहुंच ना पाए बाथरूम, तो उसका क्या हाल होता होगा। ये सब होता है और भी बहुत प्रॉब्लम है। तो देख सकते हो इसमें स्किप ऑप्शन नहीं आ रहा है, सेटअप में कर जाके देख सकते हो आप, ये नहीं आ रहा ऑप्शन, ये FRP पड़ गया है। हम आपको दिखाएंगे इसको कैसे ओपन करने का है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को कैसा लगा आप नीचे लाइक करके बताना हो, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको कैसा खोलने का है। ये S41 है, S41 ये मीडिया टेक CPU का है। अगर आपको कैसा नहीं मालूम पड़ रहा है कौन सा CPU का है तो कैसा मालूम करना बोले तो इसको फ्लैश फाइल से आप मालूम कर सकते हो कौन सा CPU का। तो ये CPU MT6737M है, इसका मॉडल है CPU का, MediaTek का है। तो आज हम आपको दिखाएंगे इसको कैसा खोलने का है। तो उसके लिए हम कहीं की सिस्टम में चलते हैं, सिस्टम में जाके खोलेंगे हम, दिखा देते आपको, ठहरिए। इसके लिए हम ऑलरेडी हम डाउनलोड करके रखे इसे, NCK क्रैक वर्जन है, ये टूल है, ये NCK टूल बोल के रहता है, आपको मिल जाता है, ये क्रैक वर्जन है ये। स्टार्ट कर लेते हैं हम इसको। आपका सिस्टम ऑलरेडी इंस्टॉल रहना चाहिए MediaTek का ड्राइवर। आप नेट पे डायरेक्ट मारने से आपको मिल जाएगा, MediaTek का ड्राइवर मारने से आ जाता है आपको। तो MT6737M है, इसमें देखते हैं हम इसमें मॉडल कौन सा है। ये ओपन हो गया, देख सकते हो टूल MT6737। इसको नीचे लगा लेते हैं थोड़ा, इसमें 37 तो नहीं है, 35 तक है। तो ट्राई करके देखते हैं हम, MT6735 में ट्राई करके देखते हैं हम खुल गए तो। सेलेक्ट कर लेते हैं MT6735, सेलेक्ट कर लेके हम यहाँ पे सर्विस में जाते हैं। यहाँ पे सर देख सकते हो, सर्विस में क्लिक करते हैं इसका, सर्विस में MT6735 आगे से। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ देख सकते हो आप रिसेट FRP बोल के यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसको क्लिक करेंगे हम। तो फिलहाल इसके लिए हम खाली बैटरी में चार्जिंग रह रहा है, कैसा भी आपको 50% चार्जिंग रहना है इसमें। तो बैटरी को लगा देते हैं, फोन को ऑन नहीं करने का है, सीधा USB लगा कनेक्ट कर देने का इसको। तो यहाँ पे हम इसको रिसेट दबा देते हैं, रिसेट FRP को दबा के रख देते हैं इसका, एस दबा देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ मस्ट भी प्लीज इंसर्ट केबल बोल के दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको USB को कनेक्ट करके देखते हैं। तो देख सकते हो ये ऑल डन बोल के हो गया, ये कनेक्ट हो गया था, यहाँ पे हो गया बोल के बता रहा है, यहाँ 3GB RAM बता रहा है ये। तो हम फोन ऑन करके देखते हैं अभी, यहाँ तो ऑल डन बोल के देखते हैं आप, हो गया बता रहा है, ऑन करके देखते हैं अभी फोन को। देख सकते हो चार्जिंग में ले लिया ऑटोमेटिक। ऑन करते यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे ग्रीन लाइन जाता है, ये यहाँ पे 100% बता रहा है, यहाँ पे देख सक रहे आप। अभी ऑन करके देखते हैं हम फोन को। कौन सा है? क्या? ओ बुझा, चल थोड़ा बात बात करो। कॉन्टैक्ट
यहाँ हमें कोई भी अभी ऐड करने का नहीं, इसलिए इसको हम यहाँ स्किप एनी बार दबा देते हैं। यहाँ पे सेटअप लेटर दबाते हैं, इसको इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो देख सकते हो हमारा फोन ओपन हो गया। ये बस कोई ज़्यादा समय नहीं लिया, ये जस्ट एक क्लिक करने से, एक सेकंड भी नहीं लगा इसको ओपन होने के लिए। तो आप देख लिए वीडियो कैसा लगा आपको, ज़रूर बताना मुझे। और हाँ, आप कुछ डाउट रहे तो भी नीचे लिख सकते हो। अगर आप नए चैनल सब्सक्राइब नहीं, तुरंत कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। सो फ्रेंड्स, और बाकी वीडियो से आप देख सकते हो, आपको ऊपर भी लिंक भी दे दूंगा, आई लिंक भी दे दूंगा मैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग फॉर, बाय बाय।